यूपी के संत कबीर नगर में अपराधियों के अंदर से पुलिस का खौफ निकल चुका है। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम अपराधी दे रहे हैं। पुलिस खुलासा करने और गिरफ्तारी करने के दावे तक ही सीमित रह जा रही है। यही कारण है कि अपराधियों का हौसला बुलंद दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम ओनिया में पुरानी रंजिश को लेकर लवकुश यादव की शहर के बीचों बीच NH-28 पर गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम ओनिया में पुरानी रंजिश को लेकर लवकुश यादव की शहर के बीचों बीच NH-28 पर गोली मारकर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर NH-28 जाम दिया और वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के समझाने के बावजूद भी ग्रामीण नहीं माने और पुलिस के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन किनारे हो जाओ। अधिकारियों के समझाने बुझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने और लगभग 7 घंटे तक NH-28 को जाम कर रखा, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। आपको बता दें, उन खास गांव के रहने वाले मृतक लवकुश के परिवार से गांव निवासी प्रेम प्रकाश सिंह से पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश के इस मामले में मृतक लवकुश द्वारा कोतवाली के कई बार दबंग आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये हुआ कि लवकुश की हत्या हो गई। इनके बच्चे 23 तारीख को जा रहे थे स्कूल, सुबह का समय था। उन्होंने कहा कि जाके गुटखा लेके आओ, उनका बच्चा नहीं गया, उठा के पटक दिए, आके कोतवाली में FIR कराएं, नहीं कुछ हुआ। फिर शाम को कोई जो मारा था वही हमको चाकू लगा, तब भी चाकू भी बरामद करके कोतवाल साहब को दिए, तब पर भी नहीं कुछ हुआ। कोतवाल साहब यही कहते थे मर्डर तो नहीं हुआ। मृतक के परिजनों ने भी कोतवाली पुलिस को, खासकर कोतवाली के इंचार्ज श्री प्रकाश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोतवाली के कोतवाल श्री प्रकाश यादव पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किए होते तो आज ये घटना सामने नहीं आती। पूरे मामले पर SP विजय सिंह ने माना कि ये कोतवाली थाना कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी और गोली चौकी पुलिस की लापरवाही का परिणाम है, जिसके चलते ये घटना घटी। आज एक लवकुश यादव ही इनकी हत्या हो गई, जिसके संबंध में गांव वालों का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर पहले भी दिया गया था, जिसमें कुछ आरोप लगाए गए थे, लेकिन पुलिस की भी शिथिलता रही है। पुलिस के खिलाफ भी लापरवाही के क्रम में कार्रवाई करने की मांग है और हत्या के जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की। सर, इसमें 4-5 दिनों से मामला चल रहा है, इसको लेकर के एप्लीकेशन भी दिया गया जी, क्या अभी तक अब क्या लापरवाही जो, जो अब लापरवाही जो जनता का कहना है उसके हिसाब से लापरवाही जरूर है, किस स्तर की लापरवाही या क्या है वो तो छानबीन का विषय है। पुलिस ने 7 घंटे तक बातचीत करके सबको PM के लिए भेजा, तो वहीं अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। घटना को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। SP विजय सिंह की माने तो तत्काल प्रभाव से दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही भी की गई। स्टॉप 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 एक आश्वासन दे रही है। यही चाह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए और चंद्र साहब के साथ कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो गई, बिल्कुल कार्रवाई तो होनी सस्पेंशन कार्रवाई, लेकिन नहीं सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं। पहले देंगे जो भी दरखास्त, उन पर FIR होना चाहिए, जो आरोप लगाना चाहे जिस जिले चाहे जिले जो जैसा चाहे। अभी हाल ही में घनघटा थाना क्षेत्र के सरीचरा बाजार में एक व्यवसायी को 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी थी, जिस पर पुलिस ने खुलासा का दावा किया था। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के एक व्यवसायी की दुकान पर अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े चढ़कर असल